Masyaf Sa Namah. Om Rim 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 Masyaf Sa Namah. कृष्णाय नमः समज्ञानाय नमः शंकराय नमः स्वामी शिवाय जयमाला महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो
आपने भक्ति आराधना की और ओम रीम असी आउसा नमः इस मंत्र का 1,25,000 से भी ज्यादा जाप हो गया, यह हम जाप किया। इस उपलक्ष्य में आज हम श्रद्धा भक्ति से पूर्ण आहुति हवन के माध्यम से करेंगे। उसके बाद समुच्चय महाआरंभ होगा, फिर शांति पाठ होगा। जब तक ये हमारे राकेश भाई और पांडे जी तैयारी कर रहे हैं, तब तक हमारे राकेश जी कुछ काम है वो पूरा कर रहे हैं। उसके पहले जीव राशि हो जाती है, पुस्तक की आयु कम हो जाती है, ये माँ जिनवाणी की सच्ची विनय है। हाँ, सभी लोग निकाल लीजिए। ध्यान में हमें अपना सानिध्य और सुख भावनाएं प्रदान करने के लिए बड़ा गांव से अच्छी साधना करती है माँ। एक दिन मैंने कहा था कि पूरा हरा भरा परिवार सुख वैभव और समृद्धि उन सब को छोड़कर राकेश जी की माता जी है और पवन जी की सासू जी है। तो ऐसी हमारी सत्यवती माता जी, सत्यवती नाम है, सत्यवती माता जी बड़ा गांव में साधना करती है। लेकिन जब कोई धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आराधना इस जिलालय में होती है और राकेश जी विनय पूर्वक लेने जाते हैं, तो वहां यहाँ पधारती है और अपनी मंगल भावनाएं आप सबके साथ शेयर करती है। और माता जी का इतना सरल स्वभाव है और धार्मिक स्वभाव है, आपने देखा होगा बहुत सुंदर भजन आप गाती हैं और डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, वृद्धावस्था में भी एक दिन बहुत अच्छा भक्ति नृत्य माँ ने किया था। और निरंतर यहाँ बैठी हुई सकारात्मक ऊर्जा सब लोगों के लिए देती है, तो ऐसे वृद्ध लोगों का, धर्मात्मा लोगों का सानिध्य हमारे लिए अवश्य ही मंगलकारी है। ऐसी माँ का हम सभी समाज की ओर से कुछ लाओ कोरा कोरा तैयारी करो। जब तक ये कार्यक्रम हो रहा है, राकेश भैया पांडे जी सिखदास में हवन की तैयारी करें। हम इनके चरणों में गहरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पहले पूरा सागरपुर समाज हजारों कीर्तन पहुंचा की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी प्रसन्नता इनके इस मुख मुद्रा अर्जुन निर्वाणी जी स्वाहा। अब हवन कुंड के ऊपर हाथ से नशाय मही भूताम कुरु कुरु रूम भट स्वाहा। कुंड में सबके पास कपूर रखा हुआ है, बिल्कुल एक छोटा टुकड़ा लेना है। कोई किसी से बात नहीं करेगा, फोन की घंटी बजेगी, फोन लेकर के हम सेकंड हैंड में बेच के दान की रसीद दे देंगे। संत रूप से कोई भी सब जने हाथ जोड़ेंगे, पंडित जी छोटे कलश में जल लेके उस कलश में शुद्धि करना है। जो कलश यहाँ पर रखा जा रहा है उसमें जल की शुद्धि हो रही है। हवन होने के बाद उस जल के द्वारा पुण्याह वाचन होगा। ओम राम भीम रूप ओम राम नमो रते भगवते श्रीमत् पद्मा मा पद्मकी केसरी महापुण्डरीक पुण्डरीक गंगा सिंधु गोत्रतस्य हरिद्रिकांदा सीता श्यामो निधि जलम सुवर्णगण प्रक्षिप्तम नवरत्न गंदा क्षत पुष्पार्थमोदकम पवित्रम कुरु कुरु जम जम जोम जम बम बम सम दम बम 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 द्राम द्राम द्रिं द्रिं हम सस दीपकम स्थापयामि। समय अभी संविधा का मंत्र नहीं आया, अब आया संविधा रखने का मंत्र। अर्घ्य चढ़ाएंगे अभी। ओम रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि गुण विराजमान आचार्य उपाध्याय सर्वसाधभ्यो अर्घ्यम गर्वमामि की। अब बहुत सावधानी से सुन ले, संविधा माने जो गोले के टुकड़े रखे हुए हैं, सारे नहीं रखने हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े रखने हैं। उसके बाद जितनी जरूरत लगे संविधा के रूप में होम कुंड में स्थापित करना है। ओम रीम होमार्थम अग्नित्रय आधारभूत। सावधान राकेश दुबे जी,
ओम सिद्धिभ्यः ओम सूरिभ्यः ओम पाठकेभ्यः ओम साधुभ्यः लाये नमः अक्षयाय नमः अव्यमानाय नमः अनंत सुखाय नमः नीरजसे नमः निर्मलाय नमः अच्छिद्याय नमः अप्रमेयाय नमः अगर्भमाशाय नमः अक्षोभ्याय नमः अमोघरूपाय नमः लोकाग्रवासिने नमो नमः अंतःकृत सिद्धेभ्यो नमः परंपर सिद्धेभ्यो नमो नमः अनादि परंपर सिद्धेभ्यो नमो नमः अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे कपूर को मसल के डाल में थोड़ा सा पाउडर बना के थोड़ा सा जहां लगे मैं शरणम प्रपद्यामि अर्हम जन्मना शरणम प्रपद्यामि रत्नाग्रह शरणम प्रपद्यामि कर्मणे ब्राह्म्यताये आदिशोत्रियाय स्नातकाय श्रावकाय देव ब्राह्मणाय सुब्राह्मणाय अनूपमाय सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे निधिपदे निधिपदे वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा एकाय नमः उद्योगाय नमः विविधरिद्धये नमः अंगदराय नमः पूर्वधराय नमः आहुति सत्यजाताय अरज्जाताय अनुपमिन्द्राय हे विजय स्वाहा हाथ जोड़ ले महापद्मादि चतुर्विंशति भविष्यत् परम देवाश्चोह प्रियन्तां प्रियन्तां ओम त्रिकालनर्ति परम धर्माभ्युदया सुमंत्रारी सर्वे तीर्थंकराः प्रियन्तां प्रियन्तां ओम वृषभ